हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कामनी और मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं बेलपत्र पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी। बेलपत्री कटिंग को आप बारिश में या सावन के महीने में लगाएं, ये कटिंग बरसात में ग्रो करेंगी। ये एक सब पौधा है, बेलपत्र हमारे कई काम में आता है। भगवान शिव पर भी बेलपत्र चढ़ाए आते हैं और भगवान शिव भी बहुत खुश होते हैं, इसलिए मैं आज आपको बेलपत्र पौधे की कटिंग लगाना बताऊंगी। तो उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दूर फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बेलपत्र की कटिंग को पानी में डाल के रखा है। देखिए, जब आप कटिंग लेके आए तो उसे पानी में घंटे दो घंटे के लिए आप रख दो, या एक दिन पहले लाए हो तो रात भर पानी में डाल के रख दें, जिससे आपकी कटिंग ख़राब ना हो और पानी में डली रहे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको पानी में से निकाल लूँगी और इसकी जो ये ब्रांच है इन्हें मैं कट कर लूँगी। पहले तो मैं इनकी पत्तियों को कट करूँगी यहाँ से। आप पहले इन पत्तियों को यहाँ से हटा लें फ्रेंड्स, फिर यहाँ से आप कट कर लें। आप कटिंग लगाएं तो कम से कम 5-6 कटिंग लगाएं फ्रेंड्स। कम से कम आपकी एक नहीं दो नहीं, कम से कम 3-4 कटिंग लगाएंगे तो कम से कम 1-2 कटिंग तो आपकी लग ही जाएगी। बरसात के मौसम में, सावन का महीना है, बेलपत्र का पौधा आप लगाइए, ये एक शुभ पौधा माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ से भी कट कर दिया है और ये मेरी कम से कम 3-4 इंच की कटिंग है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 3-4 इंच की कटिंग है। अब मैं क्या करूँगी, इससे नीचे की, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से कट किया है, आप भी थोड़ा टेढ़ा कट कीजिए, कम से कम टेढ़ी कटिंग रखिए, थोड़ी सी नीचे से काट के। मैंने ये तिरछा रखा है यहाँ से, आप भी इसी तरह कटिंग को टेढ़ा लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे आप नीचे से छील लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन कटिंगों को नीचे से छील लिया है, आप भी इसी तरह टेढ़ा सा कट लगाएं और फिर थोड़ी थोड़ी इन ब्रांचों को यहाँ से छील लीजिए, जिस तरह मैंने इनको थोड़ा थोड़ा यहाँ से लकड़ी के ऊपर से परत को हटा दिया है। अब अगर आप कटिंग लगाते हैं तो उससे पहले आप प्लास्टिक का गमला मत लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में कटिंग बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप या तो मिट्टी के गमले में कटिंग को लगाइए या फिर आप सीमेंट के गमले लीजिए, जिससे आपकी कटिंग खूब अच्छी तरह से लग जाए। अब देखिए, मेरी इसमें बारिश का मौसम है और आज मेरे यहाँ बारिश हुई है, मिट्टी मेरी गीली हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी मेरी कुछ गीली सी हो गई है, इसलिए अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, क्योंकि मिट्टी मेरी पहले से ही नरम है और गीली भी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरा बदरफुट और सॉइल, खेत की मिट्टी, सॉइल और इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खाली
मेरी इसकी इसमें सब चीज़ें एक सी मात्रा में मिली हुई हैं। अब मैं इसमें अपनी कटिंग को ग्रो करूँगी। पहले आप इसमें होल कर लीजिए, जिससे आपकी कटिंग अच्छी तरह से इसके अंदर लग जाए। अगर आपके पास इसके नीचे लगाने के लिए फंगीसाइड पाउडर हो या फिर रूटीन हार्मोन हो या आपके पास हल्दी हो, इनमें से आपके पास कुछ भी हो, तो आप इसके नीचे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, जिससे आपकी कटिंग में फंगस ना लगे। मेरे पास तो हल्दी पाउडर है, मैं ज़्यादातर अपने पौधों में इसे ही यूज करती हूँ। इससे मेरे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं और कभी ख़राब नहीं होते हैं और खूब बढ़िया चलते हैं मेरे पौधे। बारिश के मौसम में मैं ज़्यादातर अपने पौधों में हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप इसके नीचे हल्दी लगा लीजिए इस तरह से, जिससे आपकी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो करे और फंगस नहीं लगे आपके उसमें। आप इस तरह से हल्दी लगाइए और होल के अंदर इस तरह से अपनी कटिंग को लगा दीजिए, जिससे आपकी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो करने लगे। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो या तो मिट्टी के गमले में लगाएं या फिर सीमेंट के गमले में लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में कटिंग बहुत कम लगने के चांसेज होते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह से लगा दीजिए और मिट्टी को इस तरह से मिट्टी में इसे गाड़ दो। कम से कम आपकी 7-8 दिन में इसमें रूट्स बनने लग जाएंगी, पत्तियां भी आएंगी और पौधा भी तुम्हारा ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसी तरह कटिंग लगाएं। बारिश का मौसम है, बेलपत्र का पौधा तो बड़ा शुभ होता है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग तो आप ज़रूर लगाएं बारिश के मौसम में। अगर आपकी मिट्टी सूखी हो तो आप उसमें कटिंग लगने के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी भी दे सकते हैं, जिससे आपकी कटिंग सूखी ना रहे। कम से कम उसमें पानी की मात्रा थोड़ी थोड़ी बना के रखें, ज़्यादा पानी ना दें। अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो आपकी कटिंग गल जाएगी, इसलिए पानी कम दीजिए कटिंग में, जिससे आपकी कटिंग जल्दी ग्रो करे। और कटिंग लगने के बाद में आप इसे 5-6 दिन के लिए शेड में रख दें, धूप में ना रखें, नहीं धूप में आपकी कटिंग सूख जाएगी। इसलिए आप इस कटिंग को लगा के शेड में छोड़ दीजिए। जब इसकी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएं, जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, जब आप इसे धूप में रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट में लिखना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।